तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग यदि चैनल मोनेटाइज के लिए भेजे हो तो वहाँ से यदि आपका जो है कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है कुछ इस प्रकार का, तो आगे आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ कल का विनर कौन है। तो भाई साहब विनर हो चुका है, तो भाई को जाकर कीजिए सपोर्ट और यहाँ पर दिल से सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट और वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया है। चलिए यहाँ पर जो मैं बात कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार का जो मैसेज आया होगा आपके पास में, कंग्रेचुलेशन योर यूट्यूब चैनल, उसके बाद आपका जो है YouTube चैनल का नाम होगा, इस तरह का जो है आपको एक मैसेज आया होगा। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे काफी सारे बंदे जो है घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करें, यहाँ पे तो मेरा मोनेटाइजेशन तो ऑन हो गया, लेकिन अब इसके आगे क्या करें। तो यहाँ पे मैं उसी का जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोग को अच्छे से मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे यदि कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग और आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू करके यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को जो है अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको जो है क्रोम ब्राउजर, जिस भी ब्राउजर में आपका जो है यूट्यूब चैनल खोल लेना है, किसी भी ब्राउजर में आपका यूट्यूब चैनल खोल लेना है, जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे खोलने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर में खोल लेता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को मैं बता दूँ। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा समय लगता है खुलने में, तो यहाँ पे समय दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, योर चैनल पर क्लिक कर देना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सामने। और चलिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो चैनल खुल जाएगा वाइट स्टूडियो में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सो मैं आप लोग को बता दूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समय लेगा और यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को भी करना है। जैसे आपका जो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है तो आपको भी इसी तरह से करना होगा। तो यहाँ पे एक गेट स्टार्ट का जो है ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज पर आप पहुँच जाइएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है डॉलर का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है सो बता रहे हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है सुपर्स का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोग को करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल था दोस्तों, यहाँ पे जो है गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पे क्या करना है आप लोगों को मैं बता दूं। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपना वो नाम भर देना है। सिंपल था दोस्तों, यहां पे देख सकते हो वो नाम भरना है। नाम भरने के बाद यहां पे सिंपल था दोस्तों क्या करना है आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे जो है एक ईमेल एड्रेस भरना है। अब यहाँ पे कौन सा ईमेल एड्रेस भरना है, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे जो है घबरा जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे घबरा जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा ईमेल आईडी मतलब भरे। तो यहाँ पे क्या करना है, और सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे जो है कंपनी नेम, तो यहाँ पे आपके पास यदि कंपनी का नाम है तो भर दीजिए, या नहीं तो नोट कंपनी यहाँ पे भरना है। तो सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल भर लेते हैं। तो फाइनली गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिटेल भर दिया। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पे कौन सा जीमेल अकाउंट भरना है। तो यहाँ पे जिस भी आपका जो जीमेल अकाउंट, जिससे आपका जो है यूट्यूब चैनल है, वही यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल का जो है जीमेल अकाउंट यहां पे भरना है। अदरवाइज और किसी का जो है ईमेल आईडी यहां पे नहीं भरना है। जिससे भी आपका यूट्यूब चैनल चलता है उसी ईमेल आईडी को यहां पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद देखिए दोस्तों, यहां पे क्या करना है, कंपनी में नोट कंपनी आपको लिखना है, क्योंकि आपके पास तो कोई कंपनी है नहीं, तो नोट कंपनी यहां पे लिख सकते हो। लिखने के बाद यहां पे जो है ये जो बॉक्स यहां पे दिख रहा है, वो बॉक्स पर क्लिक करके और क्या करना है, सिंपल था दोस्तों, यहां पे आप लोग बारीकी से समझिए यहां पे क्या करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहां पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जब एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोस्तों किस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो किस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ देर प्रोसेस लेने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सुपर चैट, यहाँ पे सिंपल था दोस्तों, यहाँ पे सुपर चैट को एनेबल करना है। सुपर चैट को एनेबल करने के बाद सुपर स्टीकर को एनेबल करना है और यहाँ पे तीनों का तीनों ऑप्शन एनेबल कर देना है। सिंपल था दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे एनेबल कर चुका हूँ। करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपल दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाना है कंटेंट वाला ऑप्शन पे। सिंपल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आ जाता हूँ कंटेंट वाला ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन यहाँ पे ऑफ है सबका। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे जो है मोनेटाइजेशन सबका जो है ऑफ है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक एक वीडियो का, जितने भी आपने वीडियो पहले डाल रखा है तो वहाँ पे सब वीडियो का आपको जो है मोनेटाइजेशन ऑफ से ऑन करना होगा। जब उस पर क्लिक कीजिए
देगा तो कुछ इस तरह से स्क्रोल आ जाएगा अप और ऑन। तो यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ फिर इस तरह का इंटरफेस स्क्रोल करके आ जाएगा, आप यहाँ पे सामने डिटेल में देख सकते हो। तो सिंपल है दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये बॉक्स आ रहा है यहाँ पे नीचे पे, नीचे में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस टाइम पर स्क्रोल किया जाएगा और यहाँ पे सबमिट कर देना है। आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस टाइम पर स्क्रोल किया आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है इसका चैनल का जो है वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। तो ये वीडियो अब जहाँ भी चलेगा इस पर अब ऐड आएंगे तो उसका पैसा मुझे मिलेगा। और यहाँ पे सारे वीडियोज को जो है यहाँ पे कर लेना है। तो फिर से मैं एक बार और करके बता देता हूँ, फिर से ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर से उसी फॉर्म को मैं फिर से सबमिट करूँगा क्योंकि उसी फॉर्म फिर से दोबारा खुल चुका है। खुलने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद उसी बॉक्स पर क्लिक करना है। उस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका जो है फिर से उस वीडियो का जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो वीडियो को जो है ऑन करके बताया और यहाँ पे भी आप ये दोनों वीडियो का जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। और आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पे और क्या करना है। यहाँ पे अपने यदि चैनल पे लाइव करके रखे, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे यदि आपने लाइव करके रखे तो उसका क्या करना है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे जो है लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी यहाँ भी इसका भी मोनेटाइजेशन ऑफ है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मोनेटाइजेशन यहाँ पे ऑफ है। तो यहाँ पे इनको भी ऑन करना पड़ेगा। सेम मैं यहाँ पे सेम तरीका अपनाना है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वही फॉर्म फिर से खुल करके आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आ करके यहाँ पे मैं नोट बटी पर क्लिक करके यहाँ पे मैं सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है मोनेटाइजेशन यहाँ इसका भी ऑन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से आप अपने हर वीडियो का यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन करना है। और यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग जा करके यूट्यूब स्टूडियो में भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ वापस आने के बाद यहाँ पे क्या करना है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे क्या थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे YT स्टूडियो को मैं खोल लेता हूँ। YT स्टूडियो खोलने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह का इंटरफेस स्क्रॉल किया आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे जिसका मैंने वहाँ पे मोनेटाइजेशन का वीडियो को ऑन किया है, मोनेटाइजेशन वीडियो का ऑन किया है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन हो चुका है। और सिंपल है यहाँ पे भी आप आकर के कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ से करो तो अच्छा रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।